बात नहीं मानोगे? देखो तुम्हें कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना। देखो थला, हम बल्कि कायनात भी यही चाहती है कि उसकी शादी तुमसे हो जाए। तलहा वो हमारे खानदान की है, अपनों का दुख हम नहीं समेटेंगे तो कौन समेटेगा? और फिर अब तो वो तुमसे माफी भी मांग चुकी है। ऑफिस जा रहा हूँ, देर से घर वापस आऊंगा। रजिया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर तो आपको बुखार रहा है, मेरे ख्याल में आज आप घर पर आराम कर लें। सुरैया बेगम, आराम मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है, जैसा हूँ ठीक हूँ। टेबल से बर्तन उठा लेना और अच्छी तरह टेबल को साफ कर लेना। क्यों, नौकर मर गए हैं क्या? जितना तुमसे कहा जाता है ना उतना ही किया करो। जैसे इस घर की मैं नौकर हूं, टेबल साफ कर लेना। हानिया बेगम, अब पता चलेगा तुम्हें जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, इसका गिन गिन के बदला लूंगी तुमसे। तुमने अपनी जिंदगी को खुद तबाह कर लिया। तुम्हें सारी जिंदगी तलहा जैसा लड़का नहीं मिल सकता। तुम क्या समझ रही थी, तुमने हानिया और तलहा से दुश्मनी की है? नहीं कायनात नहीं, ये दुश्मनी तुमने अपने आप से की है। सारे खानदान का सर झुका दिया और अपने लिए किसी के दिल में जगह भी नहीं छोड़ी। कहाँ जा रही है? वहां जहां मैं अपने आप को भी भूल जाऊं। क्यों? अपने आप को सजा देने के लिए। सुना, तन्हाई बहुत बड़ी सजा होती है, क्योंकि ना तो मैं यहां रहने के काबिल हूं और ना किसी और के काबिल। मैं तुम सब लोगों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं तुमसे शादी करूंगा। तलहा, क्या कह रहे थे तुम? कहां है तलहा? शायद से मेरा ख्याल था ममा, जब इंसान गलती करता है तो क्या उसे माफी नहीं मिलती क्या? बेटा, हमने तुम्हें माफ तो कर दिया है ममा। वो तो आप लोगों ने माफ किया है ना, बाकी तो मुझे किसी ने भी माफ नहीं किया और ना ही हालात ने।
बेटा ये दुनिया गलतियों को सुधारने की जगह है। यहाँ कोई गलती करे और उसे सजा न मिले ऐसा नहीं होता है। मांग तो ली मैंने माफी, मिल तो गई मुझे सजा। कभी कभी इंसान के लिए तौबा के दरवाजे बंद भी हो जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि इतनी गलतियां मत करो कि तौबा के खुले दरवाजे तक न पहुंच सको। खुदा बहुत रहीम और करीम है, इंशाल्लाह ताला वो ऐसा रास्ता निकालेगा कि तुम सुकून से अपनी मंजिल तक पहुंच सको। जी मां। पापा आपने मुझे माफ तो किया है ना? हाँ बेटा, आज तुम जा रही हो तो हम सब खुश हैं। बेटा बच्चे अगर किसी नेक मकसद के लिए जाते हैं तो सब खुश होते, माँ बाप का सर फखर से बुलंद हो जाता है। मुझे मालूम है कि मुझे कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मेरा सर हमेशा फखर से बुलंद रहेगा। जी पापा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कभी आपका सर झुकने ना दूँ। हाँ बेटा, हम जल्दी से चलो, तुम्हारी दादू भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा आप लोग चलें, मैं बस चेंज करके आती हूँ। जल्दी से आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बेटे इतना नहीं रोते, चुप हो जाओ जानू, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम तो एक अच्छे काम के लिए जा रही हो ना बेटा, पढ़ने जा रही हो। बस बेटा एक बात का ख्याल रखना, वहां पर कोई हरकत ऐसी ना करना जिससे हमारे खानदान की बदनामी हो जाए। और दूसरी बात ये याद रखना कि जब भी कोई तुम्हें नेकी का काम करने का मौका मिले ना, उसको हाथ से ना जाने देना। जी दादू भी, मैं आपकी सारी बातों का जरूर ख्याल रखूंगी। ओ बेटा एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए, चलो। नहीं पापा, आप मत जाएं मेरे साथ। मैं जानती हूँ आप मुझे खुदाफिज नहीं कर सकेंगे। तो फिर तुम्हें एयरपोर्ट कौन लेकर जाएगा? हानिया और इब्राहिम, वो लोग आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। हॉर्न की आवाज आ रही है, लगता है वो लोग आ गए। अच्छा दादू भी, मैं चलती हूँ। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। इस घर से एक और फर्द चला गया, ऐसे ही तो ये दुनिया एक एक करके खाली होती चली जाएगी। मुझे क्यों ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हो? लड़ने के बहाने मैं नहीं ढूंढता, असल में तुम लोग करना ही नहीं चाहती जो मैं चाहता हूँ। खासतौर पर औलाद पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरी हो।